हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। पर्सन हु इज़ वर्किंग एज अ रेस्टोरेंट्स मैनेजर, या तो जो भी पर्सन है वो अपना खुद का रेस्टोरेंट ओन करता है, उनके लिए बहुत ही मज़े वाला वीडियो है। टॉपिक का नाम है कि हाउ टू डिक्रीज और हाउ टू मिनिमाइज द वेस्टेजेस इन रेस्टोरेंट्स। जो रेस्टोरेंट्स अनलिमिटेड खाना देते हैं या तो जो रेस्टोरेंट्स बूफे सर्विस देते हैं कस्टमर्स को, वो अपना जो वेस्टेज होता है, फूड वेस्टेज होता है, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लीज़ आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फॉलो करिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन रखना चाहिए। जहाँ पे आपका बुफे रहता है, जहाँ पे आपका लाइव काउंटर रहता है, उधर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन रखिए वो इज़ हैविंग द गुड नॉलेज अबाउट द फूड एंड वो कैन टेक द गुड कन्वर्जेशंस विद द कस्टमर्स। तो ऐसा एक पर्सन सिलेक्ट कीजिए और उसको बुफे पे रखिए। उससे क्या होता है कि जब भी कस्टमर एक या दो आइटम लेता है तो ही कैन टेल टू द कस्टमर कि सर आपको चाहिए उतना ही खाना लीजिए, आपको पसंद आता है तो आप फिर से भी खाना ले सकते हैं, आप एक साथ ज़्यादा खाना मत लीजिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर पे सारे कस्टमर नहीं मानेंगे, बट 50 में से 100 कस्टमर्स भी मानते हैं तो आपका खाना ऑटोमेटिकली वेस्टेज होना कम हो जाएगा। अब दूसरी बात है कि जो आपका सर्फ एंड डिश का टेम्परेचर रहता है उसको एक टेम्परेचर पे सेट कर दीजिए। वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लो टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो लो टेम्परेचर होगा तो खाना ठंडा रह जाएगा, गर्म नहीं होगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो राइस जैसा प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी कस्टमर उसको खाना प्रीफर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो आपको लास्ट ऑप्शन यही है कि आपको उसको फेंकना पड़ेगा, जिसकी वजह से वेस्टेज इंक्रीज होगा। तीसरी चीज़ है कि आपके सेकंड डिश में जब भी आप खाना लगाते हो तो उसके नीचे बनाना लीव्स यूज़ कीजिए, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेकंड डिश का हीट रहता है उसकी वजह से जो राइस ये कड़क हो जाता है वो कड़क नहीं होगा और खाना थोड़ा सा फ्रेश दिखेगा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, जिसकी वजह से कस्टमर थोड़ा सा खाएगा तो वो भी वेस्टेज नहीं होगा। तीसरी चीज़ सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि जब आप अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट में हो या तो आप जब बुफे सर्विस में हो, तब क्या होता है कि आप पहले से खाना बना के रख देते हो, तो वो थोड़ा गलत चीज़ है। उसकी वजह से क्या होता है कि खाना ठंडा हो जाता है और फिर कस्टमर अपने प्लेट में लेता है, उसके बाद उसको पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाता है और वेस्टेज होने लगता है। तो सबसे मेन रीज़न ये है कि उसके लिए आपको सफिशिएंट स्टाफ चाहिए आपके किचन में, जो कि हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए या तो हर एक पर्टिकुलर आइटम के लिए आपको एक स्टाफ चाहिए होगा, जिसकी वजह से वो गर्मा गर्म बना के देगा और कस्टमर को खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो आप वेस्टेज उस तरह से भी अवॉइड कर सकते हो। और दूसरा चीज़ है कि कोई भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए उसको प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करने के लिए फ्रायर चाहिए, आप फ्रेंच फ्राई को एक कढ़ाई में तेल लेके फ्राई कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं है। तो उसके कोई भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए। दूसरी चीज़ है कि डू नॉट ओवर स्टॉक, कोई भी चीज़ को ओवर स्टॉक नहीं करिए। आपको वेजिटेबल आज के लिए चाहिए, आपको ऑलरेडी पता है कि आप एक महीने से उसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो आपको पता है कि कौन से दिन कितना सेल होता है, कौन से दिन कितना वेजिटेबल चाहिए, तो उसके हिसाब से ही ऑर्डर कीजिए। और सेम है कि ग्रोसरी में आप हफ्ते में दो दिन ऑर्डर कर सकते हो, जैसे कि आप एक मंडे को स्टॉक मंगा लो मंडे से फ्राइडे तक का, और फ्राइडे को स्टॉक मंगा लो सैटरडे संडे के लिए, तो जिसकी वजह से क्या है कि कोई भी चीज़ एक्सपायरी डेट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आपका कोई भी चीज़ का ओवरस्टॉक होने का चांसेस भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ ख़राब होने का, स्पॉइल होने का या तो एक्सपायरी डेट होने का जो चांसेस है वो बहुत 0% तक चले जाता है, जिसकी वजह से भी आप जो आपका वेस्टेज है वो बहुत कम कर। अब सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम। सबसे लास्ट पॉइंट है कि जब भी आप अनलिमिटेड खाना या तो बुफे खाना सर्विस करते हो, तब क्या होता है कि आपका लास्ट टाइमिंग रहता है 10:30 बजे
तक का लास्ट टाइमिंग रहता है। मैं डिनर के बारे में बात कर रहा हूँ, या तो लंच में रहता है 3-3:30 बजे। तो क्या होता है कि जब भी आपको पता है कि 1 घंटे बाद आपको बूफे आउट करना है या तो अनलिमिटेड खाने का टाइम ख़त्म होने वाला है, तो उससे 1 घंटे पहले आपको खाना रिफिल करना बंद कर देना है। उसके बिटवीन जो कोई भी कस्टमर्स आता है तो उसको बोलना है कि सर ये हमारा थोड़ा सा क्लोजिंग टाइम है, आपको जो भी चीज़ चाहिए हम प्रिपेयर करके देंगे, गर्मा गर्म खिलाएंगे, बट ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि उसमें रिफ़िल ना कीजिए। उसकी वजह से क्या होता है कि 2 कस्टमर के लिए आपने पूरा खाना रिफ़िल कर दिया, तो 2 कस्टमर को थोड़ा सा खाना चाहिए, बाकी का खाना वो नहीं खाएगा, तो उसके वजह से भी तो वेस्टेज होता है। तो ये था थोड़ा सा टॉपिक के बारे में कि खाना को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। उसके बारे में हम और भी बात करेंगे आगे अगले वीडियो में, जैसे कि हाउ टू रिटेन द कस्टमर्स, हाउ टू रिटेन योर स्टाफ, स्टाफ को कैसे अपने आउटलेट में लंबे टाइम तक काम कर सकेंगे, हमारे कस्टमर्स को कैसे रिपीट कर सकेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक यू।